मान्यवर केन्द्र मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान विफलता जो हूँ दस वर्ष है से केन्द्र मंत्री अच्छा दस वर्ष केन्द्र मंत्री थी गोटे सामान्य रोड राम कर आज भितर दस वर्ष चलीगला लक्ष्मी योजना भारत बर्षर एकमात्र योजना जहा कि गाँ को गाँ संजोगीकरण करिवारे गाँ को ब्लॉक सहित संजोगीकरण करिवारे एवं ब्लॉक को जिला सहित संजोगीकरण करिवारे जदि भारत बर्षर सबुठारु भल योजना कोटा ताले आज लक्ष्मी योजना भाव से परिलक्षित होची भारत बर्षर एक नंबर गाँ को गाँ संजोगीकरण योजना होची लक्ष्मी योजना एथिरे 100% जिला ओडिशार आज कवर होती सहित लक्ष्मी योजना 1600 अधिक बस आज नियोजित अच्छा एवं ब्लॉक एवं जिला को संजोगीकरण करने सहित ए 1600 अधिक बस पखापाखी 122 टी जगन्नाथ एक्सप्रेस बस चली लक्ष्मी एक्सप्रेस बस चली लक्ष्मी योजनार जो विस्तार रही लक्ष्मी योजनार जो प्रभाव रही द्वारा आज 62,000 रु ऊर्ध शिक्षा अनुष्ठान संजोगीकरण करोड़ी हो पार लक्ष्मी योजना द्वारा जहाँकि लक्ष लक्ष छात्र छात्री ओडिशा रे जो स्वप्न रही साकार हो पारे केवल से नुह लक्ष्मी योजना हाराहारी 32,000 नुआ निजुक्ति सुजोग सृष्टि करी सहित आपण जानी खुशी हेबे 9,000 रु ऊर्ध बस शेल्टर जोटा रही जितेबाला गोटे बस टी आसुची आगु खरार ठिया हाँ पड़ूला से बस अपेक्षार गाँव ग्राम पंचायत अभी ओडिशा सारा 9,000 ए प्रकार बस शेल्टर करा जाई जो जगह कि आमर माँ माने भौनी माने आमर वरिष्ठ नागरिक माने से किसी समय बसी पारे छाई एवं बस रो उपकारिता उपभोग कर सकिए अभी आम आसवा कि प्रकार भाव लक्ष्मी योजना द्वारा आमर माँ माने भौनी माने महिला माने ओडिशार छात्र छात्री माने एवं दिव्यांग भाई भौनी माने उपकृत होती कहीं गोटे फिक्स रेट गोटे नॉमिनल अमाउंट केवल 5 टंका गोटे टिकेट रो कॉस्ट रखा जाई से माँ मान भौनी मान महिला मानी आमर छात्र छात्री मान दिव्यांग भाई भौनी मान कि आप केवल 5 टंकार आपण यातायात करें लक्ष्मी बस रेव केवल से नुह भाई भौनी मैंने जगन्नाथ एक्सप्रेस एवं लक्ष्मी एक्सप्रेस बस मानक आमर भौनी मानक एवं अन्यान्य वर्ग पर 50% रिहाति आउरी एडिशनल देते माननीय मुख्यमंत्री यहाँ हूँ उपकारिता लक्ष्मी बस रो थे कि आज गाँव रु ग्राम पंचायत रु ब्लॉक ब्लॉक रु जिला जिला रु सब डिविजन पर्यंत संजोगीकरण हो सब बहुत भल जिन चलती बहुत सुलभ मूल्य सब कार्यक्रम ओडिशार ए कार्य को भारत बर्षर प्रशंसित होदि आप जाए गाँ मान निजर से आप देखुए कि समस्ते लक्ष्मी बस योजना को बहुत भल पाँच जितेबले आम संबलपुर ढेंकानाल एवं अनुगुल जिला को आसुचु देखा मिलू जो लक्ष्मी बस योजनार जो उपकारिता टी पाणीचिया कहीं NH-55 जो जो राष्ट्रीय राज्यमार्ग नेशनल हाईवे 55 अच्छी जोड़ा संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल ये सेक्टर में जाऊँ तार एत दूरावस्था अच्छी कि लक्ष्मी बस फाइनेस्ट बस आपण मैंने समस्ते देखी थे एत सुंदर एसी बस चलिक गला बेले जो धकड़ छकड़ खाल ढीप भितर दे जाऊँ से बस रवस्था जहा रोचे ता भितर बसी आमर माँ भौनी महिला माने आमर दिव्यांग भाई भौनी माने आमर वरिष्ठ नागरिक माने बापा दादा माँ माने से मानकर अंठापिटी कष्ट होचे से माने कंप्लेन कर आज्ञा गाड़ी तो बहुत भल अच्छी जिते जो NH-55 दे कि जाऊँ संबलपुर ढेंकानाल अनुगुल रे रास्तार एत दूरावस्था
କେବଳ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଆଜ୍ଞା ସିଧା ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆରେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବନି ତ, ଏ NH-55 ଗଲାବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବନି ତ। ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି NH-55। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ NH-55ର ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, 10 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରୋଡ଼ର କାମ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଭିତରେ 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଯଦି NH-55ର କାମ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାରେଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ବୋଧେ ଆମର ମା ମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଆଜି ଏତେ ହଟହଟା ହେଉନଥାନ୍ତେ, ଅଣ୍ଟା ପିଠି ସିଧା କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉନଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥାନ୍ତା କି ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ NH-55 ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାର ହେଉଛି ବିଷୟ, ପରିତାପର ହେଉଛି ବିଷୟ ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆରେ NH-55ରେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମା ମାନେ, ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯଦିଓ ସୁଫଳ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଇଏ NH-55ର ଦୁରାବସ୍ଥା ସେ ସୁଫଳଟା ତାକୁ 100% କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।